नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नज़र आलम और आप देख रहे हैं द नेटिज़न न्यूज़। दोस्तों, आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है। द नेटिज़न न्यूज़ परिवार की तरफ से देश के सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में देश भर में तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के इंदिरा नगर में कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कानपुर रीजेंसी से आए हुए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण प्रताप सिंह के द्वारा कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार दिया गया। वहीं कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ENT सर्जन के द्वारा भी मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम सिंह ने भी मरीजों का निःशुल्क उपचार किया और मरीजों को फल वितरण किए। कार्यक्रम का शुभारंभ रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर SK कौशल ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का संचालन संजय काकुनिया और अभय सिंह ने किया। कार्यक्रम में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर नारायण प्रताप सिंह, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ बांदा के लोगों से यह अपील करूँगा कि कैंसर के जो कारक हैं उनको अवॉइड करना है, जैसे तंबाकू, अल्कोहल, गुटखा, पान सुपारी, जो मुंह के कैंसर के मुख्य कारण हैं उनको अवॉइड करना है। और हेल्दी डाइट, फास्ट खाना है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब लेना है। और कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी होती है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, तो अच्छे सेंटर में जाके जल्दी से डायग्नोसिस कराना है और उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना है। पर सर, समाज में देखा गया है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी देखने को मिले हैं जो किसी तरह का नशा नहीं करते और उन्हें कैंसर हो जाता है। जी, ये इसका परसेंटेज बहुत कम है, जैसे 5% से भी कम है। पर कुछ कैंसर होते हैं जो फेमिलियल होते हैं, जीन के ट्रांसफार्मर से होता है, जैसे बच्चेदानी का कैंसर, ओवरी, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, उसमें होता है कि फेमिलियल होते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर होते हैं 95%, वो हमें नियमित रूप से जो नशे पदार्थ का सेवन करते हैं उससे होते हैं। जैसे मुंह में छाले पड़ जाना, जो लंबे समय से अंतराल से हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, आवाज़ में बदलाव आ जाना, ब्रेस्ट में गांठ हो जाना, बच्चेदानी के रास्ते खून और पानी आना, लैट्रिन के रास्ते खून आना, यह सब लक्षण शुरुआती लक्षण है। और खाना निगलने में दिक्कत होना और अनयूजुअल वजन का लॉस होना, यह मुख्य लक्षण होते हैं कैंसर के। यह किसी व्यक्ति में ये पाए जाएं तो उनको जल्द से जल्द पास के एक किसी फिजिशियन को दिखाना है। डॉक्टर SK कौशल, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बांदा। सर, आज कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं, यहाँ पर रक्तदान शिविर और कैंसर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे आयोजनों पर? सबसे पहले तो मैं कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को बधाई दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर्स डे पर एक बहुत ही सामाजिक, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, ऐसे विषय पर इन्होंने आज कैंप लगाया। और कैंप का इन्होंने जो थीम रखा, कैंसर जागरूकता, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं सबसे ये अपील करूँगा कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बहुत सारी सामाजिक विकृतियाँ पैदा हो रही हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक विकृतियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भी विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। उसमें हमारे तंबाकू का सेवन और शराब का सेवन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही हमें सामाजिक और स्वास्थ्य के रूप से बहुत ही हानि पहुँचाती हैं। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूँगा कि किसी भी प्रकार का नशा न करें, विशेष रूप से शराब और तंबाकू किसी भी रूप में ना करें, क्योंकि ये हमारे सामाजिक छब को तो हानि पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देने का एक प्रमुख कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है, मैं सेवर्स ऑफ लाइफ ब्लड डोनर नेटवर्क का अध्यक्ष हूँ। सलमान जी, आज यहाँ कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या कार्यक्रम था और आपके संगठन ने इसमें किस तरह से सहयोग किया? आज डॉक्टर डे था,
डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के एसके कौशल सर आए। उन्होंने फीता काट के कैंप का शुभारंभ किया। कैंप में सबसे पहले जो हमारे कैलाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने रक्तदान किया और उनकी जो धर्मपत्नी हैं उन्होंने भी यहाँ पर रक्तदान किया। साथ ही साथ हमारे सेवर्स ऑफ लाइफ के जो डोनर्स हैं उन्होंने भी आकर यहाँ पर रक्तदान किया। मैं सभी रक्तदानियों का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है और मैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसी उपलक्ष्य में आज कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि इंदिरा नगर गेट नंबर 1 पर स्थित है, यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, जो कि कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका सिंह और अन्य कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। साथ ही साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के द्वारा, मेरे डॉक्टर नीलम सिंह के द्वारा सभी मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। साथ ही साथ आज के दिन यहाँ पर एक निःशुल्क कैंसर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कानपुर के डॉक्टर नारायण प्रताप सिंह ने आकर के सभी कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार, जानकारी, कैंसर से बचाव, रोकथाम और उसके इलाज की आगे की जानकारी दी। इस तरह से डॉक्टर्स डे पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क उपचार, कैंसर से रोकथाम एवं बचाव आदि, ये सारे कार्यक्रम के साथ साथ हमने मरीजों को फल वितरण भी किया। इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एसके कौशल सर जी के द्वारा हुआ और वो पूरे टाइम इस कार्यक्रम में सम्मिलित भी रहे। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके लिए मैं डॉक्टर एसके कौशल सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को आभार व्यक्त करती हूँ और सभी रक्तदानियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। और सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और हम इसी तरह मरीजों के स्वास्थ्य के लिए, उनके हित के लिए आगे भी काम करते रहें, जिससे सबका भला हो। तो सबको मैं धन्यवाद देती हूँ और सबको डॉक्टर्स डे की फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ।